हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज 31 दिसंबर है, जैसे कि आप जानते हैं आज साल का आखिरी दिन है। हम जा रहे हैं अपने फादर इन लॉ और मदर इन लॉ के घर। मेरी वाइफ पहले से ही वहीं पे है, जैसे कि आपने हमारा लास्ट व्लॉग देखा होगा तब से वो वहीं पर है। अभी भी थोड़ी देर पहले लोगों को कॉल आया था, वहाँ पर काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट करा हुआ है। बाकी मैं अपनी दादी जी को अपने साथ ही लेकर जा रहा हूँ, वो भी वहाँ पर जाके हमारे साथ इन्जॉय करेंगी। बाकी का हम वहाँ पर आपको जाके वहीं पर दिखाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच गए हैं यहाँ पर और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या डेकोरेशन की गई है यहाँ पे। चलिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज नए साल की नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज हम जा रहे हैं पॉटर साहब, जो कि यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। और जो जो जा रहे हैं हम उनसे भी आपको मिलवाते हैं, पर उससे पहले मैं थोड़ी सी आपको एक छोटी सी ब्रीफिंग दे देता हूँ जहाँ हम जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं पॉटर साहब में गुरुद्वारा है, उसकी एक अपनी एक मान्यता है। जैसे कि आपने वैसे नेट पर भी पढ़ा होगा, मैं आपको बता देता हूँ, जितना मुझे भी नहीं पता पर थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि हमारे जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने अपने पूरी लाइफ टाइम का सबसे ज़्यादा वक्त वहीं पर उन्होंने स्पेंड किया है। और जो हमारी ग्रंथ साहब है वहाँ पर उन्होंने बैठ के अपने हाथों से लिखी है, उसमें एक अध्यक्ष है लास्ट का, वो लिखा है उन्होंने। और आप देखोगे जैसे हम अभी आपको जाते हुए वहाँ दिखाएंगे, जस्ट गुरुद्वारे के बगल में एक नदी बहती है, उसकी भी एक अपनी वो है। आप देखोगे जैसे ज़्यादातर नदियाँ जब बहती है तो आवाज़ करती है, तो जब गुरु साहब वहाँ पे वो लिख रहे थे अपना जो गुरु ग्रंथ साहब में अध्यक्ष, तो वो नदी उस टाइम बहुत शोर कर रही थी यमुना। तो गुरु साहब ने उन्हें आदेश दिया कि आप, मैं यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मतलब डिस्टर्ब हो रहा हूँ, तो आप प्लीज़ यहाँ से थोड़ा साइलेंटली घुसे। तो हम अभी आपको चल के वहाँ दिखाएँगे, आप खुद देखना वहाँ पर जो नदी बहेगी वहाँ पर बिल्कुल साइलेंटली बहेगी। बाकी मैं आपको सबसे मिलवाता हूँ एक एक करके जो जो हमारे साथ इस टाइम जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, आप इन लोगों को तो जानते होंगे, हैप्पी न्यू ईयर गाइस, हैप्पी न्यू ईयर, बोलो हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर गाइस।
फ्रेंड्स ये मेरी दादी जी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कल रात में इन्हें अपने साथ लेके आया था। सत श्री अकाल जी, नए साल दी तो बहुत बहुत बधाई होवे। और फ्रेंड्स ये मेरी मदर इन लॉ है। हेलो गाइस, हैप्पी न्यू ईयर, आप सबको बधाइयाँ। फ्रेंड्स ये मेरे फादर इन लॉ है। हैप्पी न्यू ईयर। फ्रेंड्स इनको तो आप जानते ही होंगे। हैप्पी न्यू ईयर गाइस। ओके फ्रेंड्स, बाकी हम आपको निकल के कार में मिलते हैं और बीच बीच में आपको दिखाते रहेंगे कुछ कुछ अच्छे अच्छे व्यूज। तो चलो फ्रेंड्स, हम घर से निकल गए हैं गुरुद्वारे के लिए, तो चलते हैं फिर। तो सबको कैसा लग रहा है, आज न्यू ईयर है और क्या क्या करेंगे? हेलो गाइस, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, हम बहुत मस्ती करने वाले हैं। और निमरित, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और आप क्या करोगे? और बड़ी मम्मी, आपको कैसा लग रहा है? गुरुद्वारे जाएंगे, मत्था टेकेंगे, आशीर्वाद लेंगे और नए दिन की अच्छी शुरुआत करेंगे। आज पहला दिन है साल की, तो बहुत सारा अच्छे से शुरुआत करेंगे और इसीलिए गुरुद्वारे जा रहे हैं हम। ठीक है गाइस, फिर आपको मिलते हैं सीधा गुरुद्वारे पे। गाइज हम बोटिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, ये बॉटर से थोड़ा सा पहले ही पड़ता है। देखिए कैसे लोग बोटिंग वगैरह कर रहे हैं, पूरा बोटिंग पॉइंट है ये। यहाँ पे पूरी बर्ड सेंचुरी है, यहाँ पे सीजन के सीजन में बहुत सारी अलग अलग तरह की बर्ड्स आती हैं। यहाँ पे जगह जगह देखिए कितनी भीड़ है, लोग कैसे बोटिंग वगैरह कर रहे हैं। देखिए गाइज मैं जूम करके दिखाता हूँ कितनी भीड़ है वहाँ पे, लोग कैसे खड़े हुए हैं लाइन्स में बोटिंग के लिए। मैंने बताया था यहाँ पर अलग अलग तरह की बर्ड्स आती हैं, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ वहाँ पे कितनी सारी बर्ड्स बैठी हुई हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे तो। ये देखिए कितनी अलग अलग तरह की बर्ड्स बैठी हुई हैं वहाँ पर, ये सारी बाहर से आती हैं और ये सीजनली आती है, अलग अलग सीजन में अलग अलग बर्ड्स आती हैं यहाँ पर।
पे डैम है, यहाँ पे डैम बना रखे इन्होंने पानी रोक के, इसी में बोटिंग हो रही है जैसे कि अभी आपको दिखाया हमने। यहाँ से बिजली वगैरह बनाते हैं, पानी इकट्ठा करके यहाँ पे। सामने है लंगर हॉल और अभी आपको हम उधर जाके दिखाते हैं। स्नेहा चलो आगे, बाबू चलो आगे, चलो आगे, चलो आगे, चलो आगे, चलो आगे, चलो आगे। आइए देखो ये गुरुद्वारा जी का मंदिर है, यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको। गुरुद्वारा बनाया, पहले मेन वहीं पे होता था, ये अभी अभी बना है, ये नया गुरुद्वारा है।
आपको अंदर से यमुना नदी का व्यू दिखाता हूँ। आप मुझे नहीं ले गए? हाँ चलो बाबू, ये देखिए ये यमुना नदी का व्यू है बाबू। यमुना नदी है बाबू, नदी है वो। ठीक है, अभी मैं आपको वहाँ जाके पास में जाके की आवाज़ सुनाऊंगा नदी की, जैसे कि मैंने कहा था कि बिल्कुल साइलेंटली गुजरती है यहाँ से। अब देख रहा हूँ कि आगे से वहाँ से कुछ हलचल दिख रही नदी में, पर यहाँ आते आते देखिए एकदम शांत हो गई है नदी। अब जैसे देख लीजिए और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है आज। पहले साल का पहला दिन है तो लोग सारे सब दर्शन करने आ रखे हैं यहाँ पे। ये निशान साहब है हमारे, गाइस ये देखिए ये लंगर हॉल है। आज संगत इतनी ज़्यादा आ रखी है कि अंदर पूरा लंगर हॉल फुल हो गया है। हालांकि बहुत बड़ा लंगर हॉल है, अंदर काफ़ी लोग आ सकते हैं अंदर एक बार में, पर संगत आज इतनी ज़्यादा आ रखी है कि जगह नहीं बची है, इसलिए आज बाहर ओपन में बैठ लंगर कर रहे हैं लोग। ये है हमारा शीश महल, जहाँ पे बाबा जी अपना जो भी उस टाइम पे तैयार वगैरह हुआ करते थे। ये शीश महल है, देख लीजिए आप बाबा, ये शीश महल है। मठा देखो बाबू, ये है जहाँ पे गुरु साहब अपनी दस्तार बांधा करते थे। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, आप पहुँच करके पढ़ लेना। आप यहाँ अंदर है जहाँ पे गुरु साहब अपनी दस्तार बांधा करते थे। देखिए आपको यहाँ से यमुना का व्यू दिखाते हैं हम। फ्रेंड्स देखिए कितनी साफ है, स्टम एकदम ग्रीन दिख रही है ये हमेशा। देखिए आप कितनी शांत है, आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही होगी आपको। देखिए बिल्कुल शांत गुजर रही है। यहीं से मैंने जो आपको बताया था वो यहीं से गुरु साहब ने जब यमुना जी को आदेश दिया था तब से और अब तक ये यहाँ से शांति होकर गुजरती है। जमुना इथो एकदम शांत होके निकल दिया। हम गुरुद्वारा जेड़ा है नीचे थले सी उच्चा कर दिता गया। देखिए फ्रेंड्स अभी रेनोवेट हो ही रहा है, धीरे धीरे आपके सामने है। ये जो गुरुद्वारा अभी हमने आपको दिखाया है ये भी अभी नया ही बना है, पहले ये सब नहीं था, ये बन रहा था जब पिछली बार हम आए थे लास्ट टाइम। पर अब देखिए अभी भी प्रोसेस में ही है पूरा, अभी रेनोवेट हो ही काम चल ही रहा है। ये रास्ता मेन है जो नीचे जाने का है, ये भी नीचे यहाँ से बंद किया हुआ है इन्होंने। देखो गाइस हमने ऑलमोस्ट पूरा देख लिया है और वैसे बहुत मज़ा आ रहा है मुझे घूमने में। हेलो फ्रेंड्स, हम एक और गुरुद्वारे आ गए जो कि उस गुरुद्वारे के जस्ट पास में ही है, आपको इस बारे में दिखाते हैं।
ये जैसे कि आप सामने देख पाएंगे कि गुरु साहब जी पत्थर पर बैठे हुए हैं और तप कर रहे हैं। ये वही पत्थर है जो ये देख लीजिए आप, ये गुरुद्वारा जो मेन गुरुद्वारा है उससे पास में ही है। और जैसे कि ज़्यादातर लोग यहाँ जानते नहीं इस गुरुद्वारे के बारे में, तो बहुत से लोग जो बाहर से आते हैं उन्हें पता नहीं होता, तो डायरेक्ट मेन गुरुद्वारे में दर्शन करके सीधा अपने चले जाते हैं। और जिन्हें पता होता है वो यहाँ पे भी आते हैं, ये जस्ट पास में ही है अपोजिट उसके उस गुरुद्वारे के, और यहाँ पे भी मत्था टेक के जाते हैं। जैसे मैंने बताया आपको ये गुरुद्वारे में जो आपको ये पत्थर दिखाया है गुरु साहब का पत्थर है जिसके तप किया था। और बाकी अभी रास्ते में एक गुरुद्वारा और पड़ेगा, इसी रास्ते में है, उसका नाम है जलजीरा गुरुद्वारा। वहाँ पे जो लंगर मिलता है वो जलजीरे का मिलता है, वो भी आपको अभी जाके वहाँ दिखाएंगे हम। पहले आप देख लीजिए यहाँ पे जो हम थोड़ा बहुत आपको लंगर दिखा देते हैं कि लंगर कैसा मिलता है यहाँ पे, वो भी आप देख लीजिए। गाइस हम पहुंच गए हैं जलजीरा गुरुद्वारा, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जलजीरा मिलता है। देख तो ये जलजीरा गुरुद्वारा है, यहाँ पे जलजीरे का लंगर होता है। मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, ये देखिए आप, यहाँ जलजीरे का लंगर मिलता है। देखिए जलजीरे का लंगर। गाइस तो हमारा पौड़ा साहब का यहाँ ये ट्रिप ख़त्म होता है, और अब हम आपको वापस देहरादून जाके मिलेंगे, तो चलते हैं वापस सब। ओके फ्रेंड्स, हम वापस आ चुके हैं, और सबसे पहले तो मैं अपने फादर से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ आपको। वैसे तो वो कैमरा से आए हैं, पता नहीं कैमरे के सामने आते नहीं है ज़्यादातर, पर देखते हैं, कोशिश करता हूँ मैं एक बार कैमरे के सामने आने की। हेलो फ्रेंड्स, ये मेरे पापा हैं। सो फ्रेंड्स, इस खूबसूरत व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। होप करता हूँ आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। टिल देन बाय बाय, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।